हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्या प्लानिंग था इंडिया का, कुछ समझ नहीं आया। इगोर स्टिमाच सर का क्या प्लानिंग था, क्या स्ट्रेटेजी था, कुछ समझ नहीं आया। क्या आप डोरो के लिए जा रहे थे या जीत के लिए जा रहे थे, कुछ नहीं। आप फील्ड पे क्या स्ट्रेटेजी लेके उतरे थे, कुछ समझ नहीं आया। आप अगर डोरो के लिए जा रहे थे तो डोरो के लिए खेलिए, डिफेंसिव फुटबॉल खेलिए, या आप जीत के लिए जा रहे हो तो अटैकिंग फुटबॉल खेलिए। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, तो अटैकिंग फुटबॉल खेलिए। आपको अच्छे से पता था कि कतर आपसे स्ट्रॉन्ग टीम है। आप इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट, आपके ग्रुप का सबसे स्ट्रॉन्ग टीम कतर है, तो आप कतर जैसे टीम के अगेंस्ट ऐसे टीम किस हिसाब से सिलेक्ट करते हो, मुझे समझ नहीं आया। इतने सारे चेंजेस, लास्ट मैच में आप एक बेहतरीन फुटबॉल खेला, कुवैत को उनके होम मैच में हरा के आए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, आप उस जगह पे इतने सारे चेंजेस क्यों कर रहे हो। मनवीर सिंह थोड़ा सा इंजोर्ड है, चलिए मनवीर सिंह का समझ रहे हैं। आप डिफेंस में आकाश मिश्रा की जगह सुभाषिस बोस को लाए, वो भी समझ में आता है कि आप डिफेंस को थोड़ा सा फिजिकली स्ट्रांग बनाना चाहते हो, ठीक है। आप उदंता सिंह को किस हिसाब से फील्ड पे लाए, वो समझ नहीं आया। नौरम सिंह क्यों नहीं, साहल क्यों नहीं, साहल इस टीम का मेन प्लेयर है, साहल नहीं है। आपका स्ट्रेटेजी देखिए, चलिए साहल को आप बाहर रखे हो, आप फील्ड पे आपका स्ट्रेटेजी देखिए। आप 4-2-3-1 पे खेल रहे हो, सुभाषिस बोस, राहुल बेके, संदेश जिंगन, निखिल पुजारी। आप सुभाषिस बोस को आकाश मिश्रा की जगह लाए हो, समझ आता है। चलिए आप डिफेंस को थोड़ा सा फिजिकली स्ट्रांग बनाना चाहते हो, और सुभाषिस बोस ठीक ठाक फुटबॉल खेला। 4-2-3-2 जो है आपका, अपुया और सुरेश, ये मुझे समझ नहीं आया। फिर थ्री उदंता सिंह, चांगते और ये अनिरुद्ध थापा। अनिरुद्ध थापा लास्ट 4 और 5 मंथ्स इस पोजीशन पे फुटबॉल नहीं खेला है, इस पोजीशन पे फुटबॉल खेला है, सीडीएम के तौर पर फुटबॉल खेला है। आप मोहन बगान में उसका पोजीशन देखिए, वो सीडीएम के तौर पर फुटबॉल खेल रहा है। आप उनको अचानक से अटैकिंग मिडफील्ड में रख दिए। एक प्लेयर फुटबॉल में, एक सिंपल बात, एक सिंपल लॉजिक हर किसी को समझना होगा, एक प्लेयर एक पोजीशन पे जब लंबा टाइम तक प्रैक्टिस करता है या फील्ड पे खेलता है, वो उस पोजीशन के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। उसको उस पोजीशन से हटा के दूसरे पोजीशन पे रखेंगे तो उस पोजीशन पे उतना कंफर्टेबल दिखेंगे नहीं, ये इगो स्टिमाच को सबसे पहले समझना था। चांगते, आज के मैच में इंडियन टीम की तरफ से अगर कोई अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो वो है चांगते। टॉप पे आपका सुनील छेत्री, सुनील छेत्री को अटैकिंग मिडफील्डर से कोई पास एक भी नहीं मिला। पूरे 90 मिनट में सुनील छेत्री को इन तीन प्लेयर से एक भी पास नहीं आया, ना उदंता, जिनको आप क्यों रखे थे टीम में फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ की शुरुआत में आप मजबूर हो गए उनको चेंज करने के लिए। उदंता को पता नहीं उनको प्लेइंग 11 में आप क्यों रखे, इनसे ना पास आया। चांगते एक दो जो पास आया था सुनील छेत्री के लिए नहीं था, वो अनिरुद्ध थापा थे वहाँ, ना अनिरुद्ध थापा से पास आया। अनिरुद्ध थापा इस जगह के लिए है ही नहीं, अनिरुद्ध थापा कई दिन हो गए, कई महीने हो गए कि इस जगह पे वो फुटबॉल नहीं खेला है, तो उनको उस पोजीशन पे क्यों। साहल क्यों नहीं, साहल इस पोजीशन के लिए आपका सबसे बेस्ट प्लेयर, साहल, चलिए आपको साहल अच्छा इस पोजीशन पे इस मैच के लिए सुटेबल नहीं लगा, ब्रेंडन फर्नांडिस थे। अपुया के साथ सुरेश, सुरेश इस जगह पे अनकंफर्टेबल है, सुरेश इतना भी बुरा परफॉर्मेंस नहीं किया अगर देखेंगे तो, पूरे मैच में पूरा मैच तो कतारी खेला है, इंडिया तो उसे कुछ ही मौका बना पाया था, तो सुरेश क्यों। सुरेश के आ जाने से अपुया, सुरेश के साथ इन दोनों का तालमेल नहीं बन पा रहा था। यहाँ अनिरुद्ध थापा होना चाहिए, थापा इस जगह के जगह इस जगह पे होना चाहिए, ये दोनों जगह पे अपुया और थापा होना चाहिए, अपुया इधर थापा इधर, या अपुया इधर या थापा इधर, सिंपल बात है। उदंता सिंह इस जगह को पूरा अपहिज बना के रखा है, फर्स्ट 45 मिनट्स पूरा राइट साइड से एक भी मूव नहीं था फर्स्ट 45 मिनट्स में इंडिया की तरफ से। उदंता सिंह क्या कर रहा था, ना उनको समझ आया, ना हमें समझ आया, ना कोच को समझ आया, कोच क्यों ये प्लेइंग 11 चूज किया मुझे समझ नहीं आया। चलिए फिर भी मैं मान रहा हूँ कि उदंता सिंह एक बेहतरीन प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, तो उनको आप रखें, वो फेल हो गया, वो अपना काम नहीं कर पाया, उनमें आपका मिस्टेक नहीं है, आपने एक ट्राई किया,
कोशिश किया, मनबीर सिंह इंजर्ड है तो आपने उदंता सिंह से ट्राई किया। चलिए मान रहा हूँ चंगते अपना गेम शो किया, अपना गेम अपना परफॉर्मेंस रखा उन्होंने, इस जगह पे आपने ब्लंडर किया जो नहीं करना था, पूरा मिडफील्ड आपका रुक गया, मिडफील्ड से कोई परफॉर्मेंस नहीं आया, सुभाषिस बोस को आप रखे आकाश मिश्रा की जगह, ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया, डिफेंस में जो करना था बेचारा किया, संदेश झिंगन एक्सपीरियंस डिफेंडर है, काफ़ी मौके पर इंडिया को आज सेव किया, बहुत अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस किया। निखिल पुजारी लास्ट मैच में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था, पर इस मैच में उतना अच्छा नहीं तो उतना बुरा भी परफॉर्मेंस नहीं है, राहुल वेके का भी वही अच्छा परफॉर्मेंस किया, डिफेंस में चारों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, बट अमरिंदर सिंह व्हाई, क्यों अमरिंदर सिंह क्यों, गुरप्रीत सिंह आपका ग्रुप का सबसे स्ट्रांग टीम है कतर, और ये मैच आपको कम से कम ड्रॉ पे जाना था, और आप गुरप्रीत सिंह का रिकॉर्ड देखिए अगेंस्ट कतर, उनको छोड़ के आप अमरिंदर सिंह पे आए, क्यों कि ये उनका होम ग्राउंड है, उस हिसाब से तो मेरा भी होम ग्राउंड इंडिया है, इंडिया का हर ग्राउंड मेरे लिए होम ग्राउंड है, तो मेरे को रख दीजिए टीम पे। इतना सा दिमाग नहीं है कोच के पास कि अमरिंदर सिंह एक सेकंड टायर आई लीग खेलने का लायक नहीं है वो गोलकीपर, आप उनको कतर जैसे टीम के अगेंस्ट रख रहे हो, आपके पास गुरप्रीत सिंह है आपका सबसे बेस्ट चॉइस, सबसे बेस्ट ऑप्शन गुरप्रीत सिंह, जो तीन गोल कंसीड किए हैं इंडिया, उन तीनों में अगर गुरप्रीत सिंह होता तो उन तीनों में कितना गोल, एक होता या दो होता मैं श्योर नहीं हूँ, हो सकता है तीनों सेव करता। अमरिंदर सिंह को किस पोजीशन पे खड़ा होना चाहिए वो समझ नहीं है, वो गोलकीपिंग क्या करेगा, बैक पास आ रहा है, बैक पास पे इतना नर्वस हो रहा है वो, उनको ठीक से बैक पास को कैसे क्लियर करना है वो नहीं आ रहा है, वो उनको आप कतर के सामने रख दिए हो, जब आप सेव करो, आप लास्ट कुछ मैच देखिए कतर के अगेंस्ट गुरप्रीत का परफॉर्मेंस, 20 से 22 सेव है, आप उस प्लेयर को हटा के एक, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अमरिंदर सिंह को मैं क्या बोलूं, अमरिंदर सिंह को मैं छोटा नहीं कर रहा हूं, पर अमरिंदर सिंह इस लेवल का फुटबॉल खेलने लायक नहीं है, वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच है भाई ये कोई इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच नहीं था जो आप इतना लाइट ले लिए, या तो आपके अंदर बहुत सारा ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम कतर को इजीली हरा देंगे, क्या इंडिया उस लायक टीम है अभी कि कतर को इतना लाइटली ले सके, या आपको ये मैच जितना ही नहीं था, पूरे इंडियन फुटबॉल फैंस उस दिन का इंतजार कर रहा है कि किस दिन इंडियन टीम वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर जाए, और वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आप ऐसा परफॉर्मेंस करते हो, ऐसा नहीं कि टीम बहुत बुरा परफॉर्मेंस किया, आपके पास स्ट्रेटजी है ही नहीं, कोच का क्या स्ट्रेटजी था इस मैच के लिए वो समझ आया ही नहीं, ना प्लेयर को खुद समझ आया। वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना हमारे लिए एक सपना है और उस सपने को साकार करना है, ऐसे फुटबॉल खेल के उस सपने को आप साकार नहीं कर सकते हो, ऐसे स्ट्रेटजी लेके आप कतर जैसे बड़े टीम के खिलाफ नहीं उतर सकते हो, प्लीज़ बार बार यही कह रहा हूँ कि आपके स्ट्रेटजी में बहुत सारे मिस्टेक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।